हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं, द्विघात समीकरण के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। हेलो गाइस, आज हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, यानी द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण को जानने से पहले आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के बारे में। और इसे हम पहले भी बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, एक ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम पावर होती है दो, ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर दो होती है। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना चाहेंगे समीकरण का व्यापक रूप, यानी जिस रूप में हमें दिखाई देता है ये। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमा x स्क्वायर प्लस 9 कॉमा एक्स स्क्वायर इक्वल 0 एटसेट्रा। एक ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 2 है, द्विघात बहुपद कहलाता है। समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस टाइप में हमें समीकरण दिखाई देता है। अब बात क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की आई, लेकिन अगर इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी इसमें अगर हम जीरो कर दें यहाँ, तो ये हो जाता है क्वाड्रिक इक्वेशन। यानी इस पूरे फंक्शन में पी एक्स अगर इसको मान लें लेट बराबर जीरो, इस पूरे फंक्शन को अगर हम पी एक्स मान लें, तो यहाँ a इज नॉट इक्वल जीरो एंड a b c इज ए रियल नंबर। वेयर जहां x इज वेरिएबल, मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एक द्विघात बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है, इसकी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, मैंने इस तरह के लिखा है, अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं बराबर जीरो कर दूं, तो वह क्वाड्रिक इक्वेशन तैयार हो जाती है, यानी द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण में अगर पी एक्स को जीरो मान लेते हैं, तो फंक्शन हमारा तैयार होता है ए बी सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल जीरो, यानी ए जीरो नहीं हो सकता कभी भी, और ए और बी सी तीनों हैं वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ एक्स एक चर पद है, x एक चर पद है। अब क्वाड्रिक इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण, इसे बोलते प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन, और दूसरा होता है हमारा मिश्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब सबसे पहली बात, शुद्ध है क्या, जानने वाली बात है, शुद्ध क्या चीज़ है। तो शुद्ध को बताने से पहले, शुद्ध क्या चीज़ है यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं और मिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं, तो इसको जानने से पहले, इसको पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं। तो देख, इसको जानने से पहले मैं इसको डेफिनेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, नंबर एक शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता, जैसे मेरा इक्वेशन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये फंक्शन हमारा शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फंक्शन। अब बात शुद्ध की आई है, तो यहाँ बी बराबर जीरो, यानी ये फंक्शन हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फॉर एग्जाम्पल इसके तैयार होंगे शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तैयार होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, दूसरा तैयार होता है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर के डॉट डॉट। ये तो हो गया, बात चल रही है हमारी शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है हमारी मिश्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मिश्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। मिश्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी इज नॉट इक्वल जीरो, यहां बी जीरो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल तैयार होते हैं हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, दूसरा फंक्शन हमारा तैयार होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो। यानी मैंने आपको बताया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार के हैं, एक प्योर एक मिश्र। अब प्योर में हमारा बी बराबर जीरो है और मिश्र में बी इज नॉट इक्वल जीरो है, ठीक। अब इनके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि इनको सॉल्व हम कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर मैं आपके सामने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दूसरे टाइप में अगर मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, यहां दो 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 चार पद हो गए, दो दो में हम पेयर बनाते हैं, एक एक पेयर बना लेते हैं दोनों का, यहाँ आ गया x प्लस टू प्लस थ्री, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, एक्स प्लस टू हमारे पास कॉमन आ गया, x प्लस थ्री हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ रही है x प्लस टू बराबर जीरो और x प्लस थ्री बराबर जीरो। x बराबर माइनस टू और x बराबर माइनस थ्री। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि x बराबर माइनस टू और x बराबर माइनस थ्री दोनों आ गए, हमारे पास x की दो वैल्यू आई माइनस टू और माइनस थ्री, यहाँ पर घात दो है और हमारे पास दो ही वैल्यू आई हैं, यानी इस समीकरण के दो मूल निकल के आ रहे हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल निकल के आ रहे हैं, द्विघात समीकरण जिस तरह से यहां पर इस इक्वेशन के पास दो दो वैल्यू आई हैं एक्स की, इसी प्रकार हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। मैंने इस फंक्शन के माध्यम से, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से आपके सामने ये प्रॉब्लम रखी। अब समीकरण को शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, आइए देखते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, नंबर एक एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव इक्वल ट्वेंटी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है बी इज नॉट इक्वल जीरो,
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समीकरण के अंदर बी इज नॉट इक्वल जीरो होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, 20 × 5 यानी हो गया 20 × 5 = 100 एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स इज बराबर ±10। इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, 5 x − 5 x + 5 = 55। a − b a + b की फॉर्म है, a − b a + b इसकी फॉर्म होती है a² − b² ठीक है। मैं इसमें x² − 25 ये 5 हमारे डिवाइड में चले गए, इसको हम सॉल्व करते हैं 5 × 1 ये आ गया x² − 25। x² = 11 + 2 = 5 ये आ गया 36 x², ये हो जाएगा x = ±6। मैंने आपके सामने ये दो प्रॉब्लम रखी, दोनों ही कुछ अलग है। तीसरी प्रॉब्लम देखिए, थोड़ा अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि जब भी गुणनखंड करते हैं तो अंडर रूट की प्रॉब्लम बड़ी कठिनता से सॉल्व होती है, तो इसको देखते हैं हम। 22√3y + 3 = 0 तरीका वही है करने का, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई हम करते हैं, फर्स्ट पद हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है, 1 × 3 = 3। सेकंड हमें लाना है, सेकंड हमें क्या लाना है, 2√3। अब इसको बनाना कैसे, देखो y² + मैं इसको इस तरह से लिख दूं, √3y + √3y + 3। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करता हूं तो 2 आते हैं, यहां मेरे पास 3 थे, अब होगा 4, 1 2 3 4। यहां से मैं कॉमन लेता हूं y को, y + √3, यहां से मैं √3 को कॉमन लेता हूं, y + 3/√3। एक चीज आप नोटिस करिए, गुणनखंड जब भी हम करते हैं, फैक्टर जब भी करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, लेकिन यहां पर सेम नहीं है, यहां पर सेम नहीं है। हमें सेम करने के लिए यहां कुछ करना होगा, जैसे y + √3 + √3। यहां पर देखिए बाई प्लस, आपने क्लास 6, 7, 8 में परमीकरण पढ़ा होगा, √3 × √3 मैंने यहां परमीकरण किया, = 0। परमीकरण जब हम करते हैं √3, परमीकरण जब करते हैं y + √3, परमीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा y + √3/√3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, = 0। 3 से 3 मैंने कैंसिल किया, ये आया y + √3, ये भी आ गया y + √3। देखिए यहाँ पर नहीं था, लेकिन दो स्टेप के बाद हमें वही ब्रैकेट जो हम चाह रहे थे कि दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलने चाहिए, तो अगले स्टेप में हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, y + √3 + √3 y + √3 = 0। y + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y + √3 = 0। y + √3² = 0, तो y + √3 = 0, तो y - √3। इसको समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेटेड केसों में ये सॉल्व होता है, y² + 2√3y + 3। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को आप 1 ले लो, वेरिएबल को अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि वेरिएबल हमारा 1 है, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया 1 × 3 = 3। सेकेंड में जो लाना है, मुझे सेकेंड लाना है 2√3। देखिए √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी रूट संख्या का रूट संख्या के साथ गुणा करते हैं
तो वही संख्या आ जाती है जो रूट के अंदर होती है, लेकिन रूट नहीं आता, चाहे हमारी कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड। अब मैंने यहाँ बाई कॉमन लिया, बाई प्लस रूट थ्री, प्लस रूट थ्री कॉमन लिया, बाई प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री। ये संख्या, ये रूट थ्री है, यहाँ नहीं था तो वो डिवाइड में चला गया। मैं बताना चाह रहा था बाई, बाई प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, बाई प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री रूट थ्री। मैंने यहाँ रेशनलाइज किया, रेशनलाइज किया, रेशनलाइज के बाद मैंने ये कैंस, रेशनलाइज इसलिए किया, याद रखना कभी भी अगर अंडर रूट थ्री मतलब अंडर रूट की कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, तो आप उसको रेशनलाइज करके हटा दो, उसको गुणा करके ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करके आप इसको हटा सकते हो। तो मैंने वही किया है, थ्री रूट थ्री अपॉन थ्री बाई बाई प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई प्लस रूट थ्री, दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं। और मैंने यहाँ इसको कॉमन लिया, इन दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन लिया, ये अंदर रह गया बाई प्लस रूट थ्री, दोनों को इकट्ठा करके यहाँ होल स्क्वायर लगाया और ये होल स्क्वायर जीरो में चला गया, बाई प्लस रूट थ्री रह गया और बाई बराबर माइनस रूट थ्री। अब मैंने शुद्ध द्विघात समीकरण बता दिया। अगला हमारा था पॉइंट मिश्र द्विघात समीकरण। तो मिश्र द्विघात समीकरण को आप देखिए, मिश्र द्विघात समीकरण किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूं, मिश्र द्विघात समीकरण। इसकी परिभाषा होती है बी इज इक्वल टू जीरो। अब मिश्र द्विघात समीकरण होते क्या हैं, इनके तीन टाइप है करने के। सबसे पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा खंड है आपका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, और तीसरा है सूत्र द्वारा समीकरण को हल करना। देखिए गुणनखंड विधि मैंने अभी करी थी शुद्ध द्विघात समीकरण में, तो उसे बताने की आवश्यकता है नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। मैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड को आपको सामने दिखाना चाहूँगा, पूर्ण वर्ग किस तरीके से किए जाते हैं। तो आइए पूर्ण वर्ग जानते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर मैं दूसरा प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरीके से एक समीकरण लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू फोर। 5x² - 8x = 4। मुझे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाएंगे कि मिश्र द्विघात समीकरण हमारा सॉल्व हो जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, तो 5x² / 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 5 माइनस 8x / 5 बराबर 4/5। मैंने यहाँ भाग लगाया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x / 5 बराबर 4/5। अब आपने देख रहे होंगे कि दोनों तरफ, अब मुझे यहाँ x के गुणांकों का आधा करना है। तो यहाँ x का गुणांक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों तरफ। पहले x का गुणांक का आधा देखो, 8/5, अगर मैं इसका आधा करूं तो हो जाएगा 8/10। 8/10 यानी दोनों तरफ 8 के गुणांक का आधा आधे का वर्ग करके, इस तरह से लिखता हूं, आधे का वर्ग करके जोड़ने पर मुझे 8/10 का वर्ग करना है और उसको दोनों तरफ जोड़ना है। मैं करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x / 5 प्लस 8/10 का वर्ग बराबर 4/5 प्लस 8/10 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये होल स्क्वायर निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 का होल स्क्वायर। देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, a हमारा एक्स स्क्वायर एक्स और b है हमारा 8/10 बराबर 4/5 और 8 का हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 10 का 100। देखिए ये हमारा होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b की फॉर्म बन रही है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, तो ये बन गया हमारा x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 100, 5 का डिवाइड देंगे 100 में, 20 बार जाएगा, 20 चौक 80 प्लस 64, ये हमारा आ गया 80 प्लस 64 होते हैं 144/100 और ये हमारा चली रहा है x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 8/10 का यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट आ जाता है, रूट आएगा जब मैंने रूट किया x माइनस 8/10, ये रूट हटेगा तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और इसका होता है 100, 100 का हो जाएगा 10 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट हटेगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक बार धन ले लो और एक बार ऋण ले लो, यहां मैं लिख दे रहा हूं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह हम लेंगे तो x माइनस 8/10 बराबर 12/10, इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं यहां देख रहा हूं x माइनस 8/10 बराबर 12/10, तो x बराबर 12/10 प्लस 8/10 सेम हर है 12 + 8 इजिकल टू हो जाए इम्प्लाइज दैट 20/10 ये आ रहा है x बराबर 2 और यहां पर मैं ऋण चिन्ह ले रहा हूं, x माइनस 8/10 बराबर माइनस 12/10, x बराबर 12/10 माइनस प्लस 8/10 इम्प्लाइज दैट 10 - 12 + 8 ये बचेगा आपका -4/10, 2 से मैंने डिवाइड किया ये आ गया x बराबर -2/5, यानी एक वैल्यू ये निकल के आई एक वैल्यू ये निकल के आई। आप दोबारा से इसको देख लियो, मैंने किया था पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, मैंने आपके सामने ये रखा 5x² - 8x4, मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 5 है, मैंने दोनों पक्षों में 5 से डिवाइड किया, ये निकल के आया x² - 8x/5 = 4/5 ठीक। फिर इसके बाद मैंने कहा x के गुणांक का आधा करो, तो x के गुणांक का मैंने यहां आधा किया है, x के गुणांक का ये आधा हो गया 8/5 × 1/2, तो ये हो गया 8/10, 8/10 को मैंने लिखा दोनों तरफ x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने पर, मैंने 8/10 का जब वर्ग किया यहाँ पर और दोनों तरफ जोड़ा तो फंक्शन ये तैयार हो गया, हमारे पास a माइनस बी की फॉर्म निकल के आ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये तैयार हुआ और यहाँ 5 और 100 निकले, तो जो मैंने 100 का लाशा ले लिया एलसीएम ले लिया तो ये निकल के आया 80 + 64, इसको मैंने ऐड किया तो 144/100, इसका स्क्वायर हटा के मैंने रूट इस पर चढ़ा दिया तो प्लस माइनस की फॉर्म ये तैयार हो गई और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 100 का 10। मैंने एक बार धन चिन्ह लिया, यहाँ लिखा है x माइनस 8/100 ये आ गया और 8/10 को इधर पहुँचाया प्लस का हो गया, 12 और 8 इसको ऐड करें तो 20 और 10 10 का 20 डिवाइड किया x बराबर 2। दूसरा फंक्शन है ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 8/10 बराबर -12/10 x बराबर -12/10 जैसा आपके सामने है माइनस 12 में से प्लस के 8 -4/10 ये आ गया x बराबर -2/5। ऑब्वियसली समझ में आया होगा आपको ये पूर्ण वर्ग वाला अच्छा फंक्शन है,
द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के अंदर, और द्विघात समीकरण एक ऐसे फंक्शन है कि रेगुलर इनका प्रोसेस चलता ही रहता है हर कोर्स के अंदर। अब हमारे पास लास्ट मूवमेंट रह गया सूत्र द्वारा प्रयोग करके हल करना, ये समझ में आया होगा आपके। अब लास्ट हमारे पास फंक्शन है, सूत्र का प्रयोग करके किस तरीके से, सूत्र का प्रयोग द्वारा समीकरण को हल करना। देखिए मैंने आपके सामने रखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते, यानी इस मध्य पद के जब फैक्टर नहीं होते, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो सूत्र हमें दिया श्री धराचार्य जी ने, वह सूत्र हमें दिया श्री धराचार्य जी ने। जब वह सूत्र का प्रयोग, जब उसके फैक्टर नहीं हुए, जब उसके गुणनखंड नहीं हुए, तो हमने धराचार्य जी ने हमें ये फॉर्मूला दिया। तो ये हुआ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस फंक्शन का प्रयोग करके आप इस समीकरण को हल कर सकते हो। जैसे मेरे सामने एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन आया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। इस समीकरण में देखिए छः का सिक्स में गुणा करते हैं फर्स्ट और थर्ड का, आप देखिए सिक्स इंटू सिक्स इजिकल टू आता है 36। अगर हम 36 का गुणा करते हैं और जोड़ते हैं, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है कि मैं 11 लेकर आ जाऊं, किसी भी तरीके से 11 नहीं आ सकते मेरे पास। तो जब 11 नहीं आ सकते, तो श्री धराचार्य जी ने कहा नो टेंशन, आप मेरा फॉर्मूला लगाइए और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले मुझे द्विघात समीकरण से माना, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे। तो फैक्टर करने के लिए ए बराबर सिक्स, बी बराबर माइनस इलेवन और सी बराबर सिक्स, इस वैल्यू को मुझे यहाँ पुट करना है श्री धराचार्य जी में। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब माइनस बी माइनस इलेवन प्लस माइनस अंडर रूट बी हमारा इलेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारा है सिक्स और सी हमारा है सिक्स अपॉन टू इंटू ए हमारा है सिक्स, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 121, और ये हो गया हमारा छिंग 36, 36 दूनी 72 माइनस 144 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करिए, 11 प्लस माइनस 144 में से 121 को निकाल दीजिए, ये आपके बच रहे हैं 4 में से एक गया 3 और 4 में से 2 गए 2 माइनस के, ये आ गया सॉल्व होके 11 प्लस माइनस रूट माइनस 23 अपॉन 12। ये हो गया सूत्र का प्रयोग द्वारा। तो आज आपने देखा 6x स्क्वायर इसको, इस समीकरण को सूत्र द्वारा कैसे प्रयोग करते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण को गुणनखंड किस तरह से हल करते हैं, फिर हमने आपको बताया पूर्ण वर्ग द्वारा, और फिर आपको बताया द्विघात समीकरण को। ये धराचार्य जी का फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा ये मध्य पद दो भागों में नहीं विभाजित हो सकता, नहीं ब्रेक हो सकता, नहीं हम इसको तोड़ सकते हैं, तभी हम इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। आज मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण के बारे में, शुद्ध द्विघात समीकरण कौन से होते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण कौन से होते हैं, और पूर्ण वर्ग द्वारा कैसे हल करते हैं, और आपके सामने रखा मैंने सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही हो, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे आगे की वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। देखते रहिए बिग वीडियो चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।